सायाहपुर में कल नगर निकाय के चुनाव को लेकर मतदान होना है। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, उसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं आज ईवीएम वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा। हम मौजूद हैं जीएफओ कॉलेज में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोलिंग पार्टियों को यहाँ से रवाना किया जा रहा है। आपको बता दें कि शाहजहाँपुर नगर निगम, यहाँ पर कुल 60 वार्डों के लिए मतदान होगा, जिसमें 119 मतदान केंद्र बनाए गए। वही 325 बूथ यहाँ पर हैं, यहाँ पर मत दिया जा सकेगा, वोट किया जा सकेगा। वही पूरे ज़िले की अगर बात की जाए 242 मतदान केंद्र हैं, और पूरे ज़िले की बूथों की संख्या की जाए तो 654 बूथ बनाए गए, यहाँ पर मतदाता मतदान कर सकेंगे। तो वहीं संवेदनशील 136 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं और 333 बूथ हैं। वहीं अति संवेदनशील बूथों की अगर बात की जाए तो वो 67 है पूरे ज़िले की, हम बात बता रहे हैं। तो वहीं पूरे ज़िले में 613,221 मतदाता जो हैं कल अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। खासकर अगर नगर निगम की बात की जाए तो यहां पर पहली बार मेयर चुना जाना है, तो यहां पर 327,415 मतदाता हैं जो कल अपना पहला मेयर चुनने के लिए वोटिंग करेंगे। इसमें खासकर अगर आधी आबादी की बात की जाए, अगर महिलाओं की हम बात करें तो महिलाओं की भी अच्छी खासी तादाद है यहाँ पर शाहजहाँपुर में अगर देखा जाए, जो वोट करेंगी अपना पहला मेयर चुनने के लिए। तो 1,74,703 महिला मतदाता हैं जो यहाँ पर अपना पहला मेयर चुनने के लिए वोटिंग करेंगी। पार्षदों को भी चुना जाएगा। अगर पोलिंग पार्टियों की बात की जाए, प्रशासन ने सभी इंतजाम जो हैं वो किए हैं। 70 पोलिंग पार्टियों को रिजर्व में रखा गया है, अगर किसी भी स्थिति में ज़रूरत पड़ती है तो उनका भी इस्तेमाल प्रशासन कर सकेगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम त्रिभुवन से भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जो संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ हैं वहाँ पर खास तौर पर सुरक्षा को लेकर कड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं। उनका कहना है कि पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है और सभी जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान को संपन्न कराया जाएगा। वहीं उन्होंने मतदाताओं से ये भी अपील की है कि सभी लोग बढ़ चढ़ कर मतदान करें। वहीं मिशन भी सभी से यही अपील करता है कि कल यानी कि कल 11 मई को सभी लोग मतदान जरूर करें। सायहापुर से बलजीत सिंह के साथ सिमरनजीत सिंह।